जिंदगी के हर मोड़ पे साथ चलते हैं। एक भाई है जो हर उम्र, हर पल, हर लम्हा साथ खड़ा होता है। छोटे दो ओवर में 5 रन चाहिए, बल्ला घुमा। छोटे ओवर किसको? छोटे हमें लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए, हमें ये मैच जीतना ही है। यू कैन डू इट छोटे। देखता हूँ। मुबारक। भाई, मेरी ये जीत आपकी कोचिंग का नतीजा है। आपको भाई याद है जब मैंने पहली बार क्रिकेट खेला था, आपने ही मुझे बैट पकड़ना सिखाया था। और चलना भी मैंने ही तुम्हें सिखाया है। यू आर अ किड फॉर मी। इसीलिए तो आप हर बार मुझे पहली बॉल पे आउट कर देते हो। राघव भैया मुरलीधरन। साहिल, ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर। ये सब तो सही है, बस छोटी चीजें इसमें करेक्ट करनी है। ओके। और ये अलाइनमेंट थोड़ा अपर लेवल करना है, सो डेटा प्रिसाइज लगेगा। ठीक है भाई, मैं शाम तक करके देता हूँ। भाई, कल हमें क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देना है, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स टीम वर्क आदित्य, यू आर आल्सो हार्ड वर्किंग ब्रो। मैं यहाँ तुम दोनों की बातें सुनने नहीं बैठा हूँ। प्रेजेंटेशन अच्छा था, थैंक्स आदित्य, पर हमारे लास्ट प्रोजेक्ट में काफी सारी मिस्टेक है। इस फाइल में हमारे लास्ट ईयर के सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, पर 50 लाख का कोई हिसाब नहीं है। मयंक, यू, तुमने फाइलिंग ठीक से नहीं की। बॉस, मुझे जैसे ही रिसीट मिली मैंने सारी एंट्री कर दी। बॉस, शायद इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। सच में? यस बॉस।
डन सर। आओ सर, हमारा मैनेजर हर बार लेट मेल करता है और कुछ के रिसीट्स तो एक ही फाइल में मर्ज कर देता है। शायद मयंक ने फाइल ठीक से ना देखी हो। नहीं, मेरे ख्याल से हमने सब चेक किया था। एनीवेज सब सॉल्व हो गया। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुझे ना आती। प्राउड ऑफ यू। ये ग्राफ को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, इससे क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है भाई, मैं इसे अभी कर देता हूँ। अब सही है? या बस थोड़ा और फोकस करो, इससे हमारा प्रोजेक्ट और परफेक्ट हो। ओके बस ये प्रोजेक्ट एक बार अच्छे से हो जाए, उसके बाद मैं बॉस से प्रमोशन की बात करूँगा और फिर भाई भाभी को तकलीफ ना हो इसलिए खुद का एक घर लूँगा। अच्छा वो आप लोग आ गए, खाना रेडी है, आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, आज मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे आज पिज्जा खाना है। अगर पिज्जा है तो बताओ, वरना मैं चला। आदित्य सर, आपका पिज्जा डिलीवर हो गया है, कृपया रेटिंग देना मत भूलना। वाह भैया, पिज्जा आपके लिए। भैया मैं आपको रेटिंग देता हूँ 5 out of 5 stars। सिर्फ रेटिंग ही दोगे या पिज्जा भी दोगे? नहीं भाई, पिज्जा में किसी की सदाई नहीं यार। अरे वाह छोटे, ठीक है तो हम चलते हैं, एंजॉय योर पिज्जा। शिट, भाभी आपने भैया को दवाई दी? मुझे पता ही था आपने नहीं दी होगी। भैया आप टाइम पे दवाई क्यों नहीं लेते हो? चलो जल्दी से दवाई ले लो, चलो चलो जल्दी। चलिए अब जल्दी से सो जाइए। थैंक यू छोटे, देख ली मेरे भाई की केयर। ये क्या है? घर, मेरा घर, मतलब कि मेरा होने वाला घर। अच्छा, कब तक मैं आपके और भाभी के साथ रहूंगा? कभी ना कभी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। सो आई चोज दिस हाउस। लेकिन पैसे? भाई आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने घर फाइनल कर दिया है और मैंने डाउन पेमेंट भी दे दिया है। होम लोन भी सैंक्शन हो चुकी है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। एंड दिस इज 3 BHK फ्लैट। तो कल को मेरी शादी होने के बाद ये घर मेरे फैमिली के लिए भी सफिशिएंट रहेगा। भाई ये घर आपको कैसा लगा? वैसे काफी अच्छा घर है और तुमने तो काफी दूर तक की सोच रखी है, तो भला मैं क्यों हूं यहां? क्योंकि आप मेरे पापा जैसे हैं। भैया अब बहुत देर हो चुकी है, अब ऑफिस के लिए निकलना होगा, क्योंकि अगर ऑफिस पे टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा और बिना इंक्रीमेंटेड सैलरी के ये घर हाथ से जाएगा। नहीं नहीं, तो फिर जाना ही पड़ेगा। चलो भाई मैं जा रहा हूं, आप भी जल्दी आ जाना वरना बॉस डांटेगा। ठीक है छोटे।
ये कमीना मयंक नहीं दिख रहा कहीं पर? आदित्य, बॉस तेरा इंतजार कर रहा है। हर बार मेरी गलती निकालता था ना, जा खुद की गलती सुधार। साले क्या किया तूने? तुझे तो मैं आके देखता हूं। सर, मे आई कम इन? यस, कम इन। सीट। इसे पढ़ो। You have been a good employee since the past few years. You did the fantastic job in our company. Yes. But you are terminated. Sir, termination letter? Yes. तुम अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। तुमने कंपनी की सारी डिटेल लीक की है। How dare you? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारी फर्म के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करोगे? No sir, I didn't. मैंने कोई डिटेल्स लीक नहीं की। मासूम की तरह नाटक मत करो। तुम्हारी मेल आईडी से हुआ है ये। सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। इसके अलावा और मैं क्या करूंगा? घर के सारे खर्चे मैं कैसे संभालूंगा? सर, आई हैव बॉट अ हाउस फॉर मी। मैंने कोई डिटेल्स लीक नहीं की है सर। अरे छोटे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे भाई ने कंपनी की इंपोर्टेंट डिटेल लीक की है, तो मैं अभी उसे निकाल रहा हूं। व्हाट? नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं ये मेरे आईडी से मेल कैसे हो गया। हो सकता है मेरे पीसी से किसी और ने किया हो। जिस किसी ने भी किया हो, गलती तुम्हारी है। इसीलिए मैं आज अभी तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। दफा हो जा और दोबारा कभी अपनी शकल मत दिखाना। अरे यार, जाने दो ना। वो बोल रहे है ना, उसने कुछ नहीं किया। तुझे अपनी दोस्ती की कसम, अब कुछ मत बोलना। थैंक यू भाई। देख, वो तो मेरा दोस्त है, इसीलिए तू बच गया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई? इस कमीने ने किया होगा सब कुछ। तूने किया ना सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए? What man? मैंने क्या किया? मिस्टर अग्रवाल को हमारी कंपनी के डिटेल्स लीक करना, दिस चिपटिंग। पता है ना कि वो हमारे कंपटीटर है? हो, पता है, तभी किया तुमने। छोड़ना छोटे, जाने दे इसे। यू लिटिल क्रैप, पता है ये जॉब ही मेरे लिए सब कुछ है। एंड यू डिड दिस टू मी। शायद तुम्हें जरूरत नहीं होगी अपनों की, पर अब देख मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। ये सब क्या चल रहा है ऑफिस में? आदित्य, आज जो कुछ भी हुआ वो देखते हुए बॉस ने तुम्हारा प्रमोशन रोक दिया है। यूं कहो कि मुझे आगे बढ़ने से रुका है। अब जो मेरी सैलरी है उस हिसाब से तो नया घर भूल ही जाओ। डोंट वरी छोटे, एक दिन तुम इससे भी आलीशान घर बनाओ। हम है ना तुम्हारे साथ। हाँ दीदी भाई, आप चिंता मत करो, हम सब है ना आपके साथ। मुझे लगता है ये सारी चीजें ना उस कमीने मयंक ने की होगी। गुस्सा छोड़ो छोटे, हम दोनों भाई मिलके उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। Brothers for life. Brothers for life.
सतारा बिछाइए चादर नीचे आंगन में मैं अकेला हूँ। रोज की कहानी वो बन गई आदत सपने अधूरे जागे से पहले जिंदगी का सफर कैसी यहाँ भूल मंजिल दूर है चले हम बस जीवन मिट्टी की कहानी ढूंढा सुकून मिलता नहीं आसानी से पहाड़ों में खो जाऊं या शहर की भीड़ जिंदगी का सफर कैसी यहां भूल मंजिल दूर है चले हम बस इस फाइल के डॉक्यूमेंट्स तो मैंने भैया के पीसी में देखे थे। भैया के पीसी में मेरा आईडी ओपन है। बॉस बॉस वो आदित्य का प्रमोशन। कहीं भैया ने तो मेरे मेल आईडी से रिलीज दिख नहीं की क्योंकि मोबाइल में भी मेरा मेल आईडी ओपन रहता है। नहीं 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 स्वीटहार्ट वाओ न्यू फोन मेरे लिए। यस ऑफ कोर्स न्यू फोन। अब तो मैं अपने सारे फोटो इससे ही लूंगी। ये फोन तो मेरे छोटे के लिए है। क्या आप भी हर बार छोटे के लिए करते रहते हो। कभी अपने बारे में भी तो कुछ सोचो। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, कभी मुझे भी तो कुछ लाके दो। जब देखो तब छोटे के लिए ये भैया बिना हर बार दवाई भूल जाता है। वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसके लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है। और मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए। जब देखो तब छोटे। तुम्हें हो हमारे लिए सब कुछ, छोटे के लिए मेरा प्यार बस एक दिखावा है। हमें तो वो बचपन से ही पसंद नहीं था। पढ़ाई में हमसे आगे, जॉब में हमसे आगे, मम्मी पापा भी जब तक जिंदा थे तब तक अड़ी अड़ी करते रहते थे। I just hate him। तो फिर जब भी वो आपसे प्यार से बात करता है तो आप उसे इतनी अच्छी तरह पेश कैसे आते? कीन होती है मुझे उससे। वो मुझ पर जितना भी प्यार दिखाता है उतनी ही नफरत मुझे अंदर से महसूस होती है। उसे बिना पूछे कर लेना चाहता था। ये जॉब भी मैंने ही उसे दिलाई थी।
अब मुझसे आगे बढ़ के मेरा ही बॉस बनने चला था। तो फेंक दिया उसे जमीन। उसी के आईडी से कंपनी के इम्पोर्टेंट डिटेल्स लीक कर दी और उसका घर और प्रमोशन एक ही मिनट में छीन लिया। और इतने से मेरा मन नहीं पड़ा तो मैंने उसके बैंक अकाउंट डियर ब्रदर We always stood by each other through thick and thin time, but वो सब एक चोट था। I am sorry, शायद मेरे आपके लिए मान सम्मान या प्यार में कोई कमी रह गई हो तो। मुझे पता है कि आप मुझसे दुनिया भर की नफरत करते हैं। आप कभी नहीं चाहते कि मैं लाइफ में कुछ हासिल कर सकूं या एक ही ऑफिस में आपसे एक कदम आगे जा सकूं। आपको मुझसे इतनी ज्यादा तकलीफ थी तो मुझे एक बार तो बताना था। आपके लिए मैं ये घर क्या दुनिया ही छोड़ देता। ये सोच के बेचैनी हो रही है कि इतने सालों तक इतनी ज्यादा नफरत लेकर आप मेरे साथ एक ही घर में कैसे रहे होंगे। पर अब और नहीं, आप खुल कर जिए। जी मिस्टर आदित्य। जी आदित्य जी को गुजरे हुए 6 महीने हो गए हैं। मैं उसका बड़ा भाई राघव हूँ। मैं वेग ग्रुप की तरफ से आया हूँ। आपके भाई आदित्य ने हमारे यहाँ एक फ्लैट बुक किया था और रजिस्ट्रेशन आपके नाम हुआ है, तो ये रहे उसके तजात। थैंक यू।